हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अगर आपका एक रेस्टोरेंट है या फिर आपका कुछ होटल है और आप उसकी खुद की एक वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन एक सिंपल वेबसाइट नहीं, एक ऐसी वेबसाइट जिसमें आप अपने मेनूज भी सेल कर सकें, मीन्स आप अपने सारे प्रोडक्ट सेल कर सकें, आप अपना किचन मैनेज कर सकें, आप अपने डिलीवरीज मैनेज कर सकें, और वो सब कुछ जो एक एडवांस वेबसाइट में होता है, लाइक एक एडवांस पोर्टल में होता है। तो आपको कुछ जीरो लेवल से डेवलप करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इस प्लेटफॉर्म को परचेज कर सकते हैं और इससे आप हमारे पास अपना बिजनेस जस्ट विद इन फ्यू डेज, लाइक विद इन 4 to 5 days अपना बिजनेस लाइव कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड में जैसा आप देख सकते हैं कि यूजर को हमारे पास होम पेज में भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन मिल जाते हैं, मेनूज मिल जाते हैं, मेनू 1 मेनू 2, और अगर आइटम्स की बात करूँ तो फूड कार्ट चेकआउट और सब कुछ मिल जाता है। तो फूड पे जैसे मैंने क्लिक किया तो जो भी फूड आप ऐड करेंगे वो सारे फूड यूजर को मिल जाते हैं, और उस पर जैसे मैंने इस फूड को मिल्क शेक पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितनी क्वांटिटी में मुझे परचेस करना है मैं उन क्वांटिटी को ऐड कर सकता हूँ और उसको ऐड टू कार्ट कर सकता हूँ। नाउ प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो गया और मैं अब इसे चाहूँ तो इसे मैं परचेस कर सकता हूँ। तो ये सारी फैसिलिटीज इसमें एक यूज़र को प्रोवाइड की जाती हैं। चेकआउट करने के टाइम पे मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ, रेस्ट मैं उसको चेकआउट कर सकता हूँ, मैं मैसेजेस भी सेंड कर सकता हूँ एडमिन को। नाउ चेकआउट करने के लिए मुझे ऑफकोर्स अपना अकाउंट क्रिएट करना जरूरी है, जो कि अभी मैं नहीं चाहता क्योंकि जस्ट मैं आपको एक सैम्पल दे रहा हूँ। तो ये एक बेसिक फीचर्स हैं जो कि आप लाइक अपने सामने देख रहे हैं, ये जो सारी इमेजेस हैं, सारे जो कंटेंट हैं, यू कैन कस्टमाइज एवरीथिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो अभी मैं आपको एक बार एडमिन पैनल में दिखा देता हूँ कि एडमिन पैनल में चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, जिससे आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि क्यों ये वेबसाइट आपके लिए है। तो जब हम आते हैं एडमिन पैनल में, तो एडमिन पैनल में आप देख सकते हैं सबसे पहले कि टोटल टीम मेंबर्स कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, ब्लॉग्स कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, यूजर्स कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। बेसिक सेटिंग्स में आप अपनी देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लोगो, फेविकॉन और जनरल सेटिंग्स, ईमेल सेटिंग्स, शिपिंग चार्जेस और बाकी हमारे पास सपोर्ट इन्फॉर्मेशन, सोशल लॉगिन, तो ये सोशल लिंक्स जो आपके हो गए, मेंटेनेंस मोड और कुकीज अलर्ट, में सब कुछ आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं अपने एडमिन पैनल से। आप अपने हमारे पास प्रोडक्ट का खुद का QR कोड बिल्ड कर सकते हैं यहीं से, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। QR कोड बिल्ड करने के लिए आपने QR कोड जनरेट कर सकते हैं। रिजर्वेशन सेटिंग भी आपको यहाँ पर दी जाती है कि यहाँ पर रिजर्वेशन सेटिंग भी आप कर सकते हैं। टेबल रिजर्वेशन का मोड भी दिया जाता है कि जितने लोगों ने आपका टेबल रिजर्व किया है वो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिख जाती है, जिनका टेबल एक्सेप्ट हुआ है। आप जैसे ऑल रिजर्वेशन पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर आया हुआ है तो आपको वहाँ पर इनका स्टेटस एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, ये आपके ऊपर होता है, आप उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कैटेगरी हो गया, प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे आप मैनेज कर सकते हैं। न्यू कैटेगरी सेट कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, सिंपल आपको ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और आप न्यू प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे उसकी इमेजेस डाल के, और जो भी प्रोडक्ट आप जस्ट कैटेगरी में ऐड करेंगे वो यूजर के पास दिख जाते हैं। तो इसके अलावा आप क्या होता है, आप हमारे पास रोल मैनेजमेंट में जाने के बाद आप डिफरेंट रोल्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि डिलीवरी मैनेजर का आप अलग से रोल क्रिएट कर सकते हैं, किचन मैनेजर का अलग से रोल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार हमारे पास किचन मैनेजर में लॉगिन करके दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों, जब आप किचन मैनेजर में आते हैं, जो वो अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप कितने भी किचन मैनेजर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सब आपके ऊपर है। तो यहाँ पर किचन मैनेजर के लोग सिर्फ ये देख सकते हैं कितनी टेबल ऑफ रिजर्वेशन हुई है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट मतलब न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी मैनेज कर सकते हैं, और वो ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, कन्फर्म्ड ऑर्डर कौन सा है, पिकअप ऑर्डर कौन सा, डिलीवर्ड ऑर्डर, कैंसल्ड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें वो मैनेज कर सकते हैं, जो कि आपका मेन काम होता है उनका, क्योंकि बाकी सारी सेटिंग्स लाइक उनका कोई मतलब है नहीं। तो ये सारी सेटिंग्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं जो आपके किचन मैनेजर्स होते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जो ड्राइवर्स होते हैं तो उनको क्या क्या सेटिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो दोस्तों, जो आता है आपका डिलीवरी मैनेजर, तो डिलीवरी मैनेजर को सिर्फ हमारे पास ऑर्डर से मतलब होता है कि टोटल ऑर्डर कितने हैं, पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, रिसीव्ड ऑर्डर कितने हैं। तो उनका काम सिर्फ वही होता है कि उन ऑर्डर का स्टेटस चेंज करते रहना और उनको यूजर को अपडेट देते रहना। तो यहाँ से आप हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स के स्टेटस चेक कर सकते हैं।